हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सी जी पी एस सी नॉलेज में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में चार आदिवासी आंदोलन कवर किए थे और आज के वीडियो में भी मैं चार आदिवासी आंदोलन कवर करूंगा, जिसमें केवल एक आंदोलन बचेगा जो है आपका भूमकाल का विद्रोह। उसको मैं अलग से कवर करूंगा अगले वीडियो में, क्योंकि वो एक लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में पूछ चुका है, मीन्स में आया हुआ क्वेश्चन है। और आज के जो हम विद्रोह पढ़ेंगे उसमें भी एक मुरिया विद्रोह जो है, बस्तर, जिसे बस्तर का विद्रोह भी कहा जाता है, वो भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पेपर में आ सकते हैं, इसलिए उसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम चालू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहला हमारा टॉपिक है मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह जो है बस्तर में 1842 से 63 के समय काल में हुआ था। उस समय बस्तर के राजा थे भूपाल देव और एक और राजा जो आगे चलकर 1853 में बने थे वो भैरम देव। मतलब भूपाल देव और भैरम देव दोनों के मिक्स जो काल था उसमें हुआ था मेरिया विद्रोह। मेरिया का जो अर्थ होता है, एक प्रकार से नरबलि प्रथा को माना जाता है। मेरिया का मतलब यही होता है। असली में जो आपने दंतेवाड़ा में एक दंतेश्वरी मंदिर है जो कि संकनी डंकनी नदी के संगम में स्थित है, उस मंदिर में नरबलि प्रथा प्रचलित थी। तो जब बस्तर की जो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था कि जो बस्तर है वो कोटपाड़ संधि से मराठों के अधीन आ गया था, तो उसी संधि के बाद जब मराठों ने यहाँ पे हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, उन्होंने जो मराठा थे तो उन्होंने भोपाल देव को यहाँ पे आदेश दिया कि आप जो मंदिर में नरबलि प्रथा हो रही उनको रोका जाए। इसलिए जो है मराठों ने अपनी एक सैनिक टुकड़ी यहाँ पर 22 साल तक रखी थी, 1842 से 63 तक, ताकि नरबलि जो प्रथा है वो रोकी जा सके। यहाँ पे जो हमारे समय बस्तर के दीवान थे दलगंजन सिंह, दलगंजन सिंह को हटाकर यहाँ पे मराठों ने वामन राव को जो है यहाँ का दीवान बनाया, क्योंकि वामन राव जो था एक कुशल नेतृत्व करता था जो ये इस विद्रोह को दबा सकता था यहाँ पे। इसलिए वामन राव को यहाँ पे बनाया गया था। दीवान वामन राव के ही निर्देश में, उन्हीं के सुझाव में यहाँ पर एक रायपुर के तहसीलदार शेर खां को बुलाया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो हिड़मा मांझी के नेतृत्व में जो आदिवासी थे उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति में इसको आघात समझा था कि वो हमारी संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसके लिए हिड़मा मांझी यहाँ पर, अब सभी आदिवासी हिड़मा मांझी के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे, उसी को दबाने के लिए रायपुर के जो तहसीलदार थे शेर खां को यहाँ पे बुलाया गया था। शेर खां ने काफी बर्बरता पूर्वक इस विद्रोह को यहाँ पे दबाया था और ये विद्रोह लगभग 22 साल बाद शांत हो गया था, जहाँ पे नरबलि प्रथा फिर बंद कर दी गई थी। तो मेरिया विद्रोह में इतना ही है। हिड़मा मांझी का नाम पेपर में पूछा जाता है, मैचिंग में अक्सर यही क्वेश्चन आता है। अगला हमारा विद्रोह है लिंगागिरी का विद्रोह। लिंगागिरी का विद्रोह जो है वो 1856 से 57 के काल पर जो हुआ था। लिंगागिरी एक तालुका है जो कि भोपालपट्टनम जमींदारी के अंतर्गत आती है। भोपालपट्टनम आज जो है बीजापुर में स्थित है, उसी के अंतर्गत आती है लिंगागिरी तालुका। उसमें हमारे उस समय बस्तर के राजा थे भैरम देव। असली में हुआ यूं कि क्योंकि 1854 में प्रत्यक्ष रूप से जो बस्तर का शासन बोले या छत्तीसगढ़ का शासन बोले वो अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। तो ब्रिटिशर्स जैसे ही यहाँ पर आए उन्होंने अपनी रणनीति या जो भी हमारी यहाँ पे राजस्व नीति थी उसमें कुछ बदलाव लाया, जिससे जो यहाँ के आदिवासी थे वो संतुष्ट नहीं थे उससे, क्योंकि उनका शोषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने धुरवा राव के नेतृत्व में जो, क्योंकि बीजापुर में अधिकतर जो है दोरला जनजाति के लोग रहते हैं, तो दोरला जनजाति का नेतृत्व करते समय धुरवा राव थे। धुरवा राव जो थे उनके ही नेतृत्व में इस विद्रोह को जो है 3 मार्च 1856 को प्रारंभ किया गया था। अंग्रेजों ने काफी सैनिक टुकड़ी यहाँ पर भेजी। यह विद्रोह जो था बर्बरता पूर्वक यहाँ पे दबाया गया। 5 मार्च को धुरवा राव को पकड़ के तुरंत फांसी लटका दिया गया और उनकी जितनी भी फैमिली थी और वहां पे गांव में उनके जितने भी लोग थे, जो औरतें थी बच्चे थे, उनको भी कैदी बना लिया गया और औरतों के साथ बलात्कार भी किए गए। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने यह विद्रोह को बड़े बर्बरता पूर्वक दबाया था। तो लिंगागिरी के विद्रोह में धुरवा राव का नाम आता है पेपर में। धुरवा राव को यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ का दूसरा शहीद भी कहा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में जो बताना भूल गया था कि गेंद सिंह जो है उनको छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है, वहीं धुरवा राव को छत्तीसगढ़ का द्वितीय शहीद भी कहा जाता है। यहाँ पे अधिकतर कंफ्यूजन ये होता है कि वहां पे पूछा जाता है एक बार क्वेश्चन के 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद और छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान से देखिएगा, 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद जो थे वो थे वीर नारायण सिंह और छत्तीसगढ़ के जो प्रथम शहीद थे वो थे गेंद सिंह और दूसरे शहीद थे धुरवा राव। तो लिंगागिरी के विद्रोह में इतना ही है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है कोई विद्रोह। कोई विद्रोह जो हुआ है 1859 के काल में हुआ था। दोरली भाषा में कोई का अर्थ होता है कि पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी, उनको कोई कहा जाता है। असली में जब यहाँ पे
अंग्रेजों का काल है, तो मैंने जैसे पहले बताया उन्होंने अपनी जो वन नीति थी, राजस्व नीति, सब में परिवर्तन लाया था। यहाँ जो वन नीति नई लागू की गई थी उसमें अधिकतर से अधिक जो है सॉल वनों की कटाई वहाँ पे हो रही थी, और कई तो आदिवासियों को अपना जो हथियार के दम पे या बल पे बोल ले तो उनको वो वन कटाई के लिए बाध्य भी किया जा रहा था, जिसका विरोध यहाँ पे आदिवासी करने लगे थे। और जो मुख्य रूप से उस समय फोतकेल के जो जमींदार थे वो थे नागुल दोरला। उन्होंने आसपास के जमींदारी के जितने लोग थे उनको अपने कन्वेंस किया कि आप हमारे साथ विद्रोह करें, क्योंकि सालवन जो था या साल वृक्ष जो था वहाँ के जनजाति के लोग अपनी देवी के रूप में पूजते थे उसको, इसलिए उन्होंने इसका विद्रोह किया था। तो भोपालपट्टनम के उस समय जमींदार थे राम भोई और भेजी के जमींदार थे जुग्गा राजू, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे विद्रोह का प्रारंभ किया था। और जो भी जब ये खबर लगी कि यहाँ विद्रोह प्रारंभ हुआ है तो अंग्रेज अधिकारियों ने एक सैनिक टुकड़ी भेजी, जो उनका आरा कारखाना था जहाँ पे लकड़ी काटी जाती थी, तो उसके बाद सैनिकों की नियुक्ति की गई। तो जितने भी आरा कार्यकर्ता थे उनका यहाँ पे आदिवासियों ने उनको पूरा उनके शरीर का दो टुकड़े कर दिए और सभी सैनिकों की यहाँ पे हत्या कर दी गई थी, जिससे आदिवासी जो थे उनका वर्चस्व यहाँ पे स्थापित होते जा रहा था। अंग्रेज अधिकारी बिल्कुल डर गए थे इस विद्रोह में, ये एकमात्र ऐसा विद्रोह था जिसमें अंग्रेजों ने अपनी हार स्वीकार की थी और उसके बाद उनको अपनी वन नीति में परिवर्तन लाना पड़ा था। कोई विद्रोह मेंस में 2 नंबर में पूछा जा चुका है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्री में तो आते ही रहता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मुरिया विद्रोह, जिसे कि बस्तर विद्रोह भी कहा जाता है, जो 1876 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है, मेंस में ये 8 नंबर में अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसके ऊपर। असली में जब बस्तर के राजा थे भैरम देव के जो काल में उनका जो दीवान था वो था लाल दल गंजन सिंह। असली में दोनों रिश्तेदारी में आते थे, लेकिन लाल दल गंजन सिंह से जो थे यहाँ भैरम देव भयभीत रहते थे। तो जब 1862 में भैरम देव लाल दल गंजन सिंह की मृत्यु हुई तो भैरम देव के पास यह कार्य आया कि वो अपना दीवान नियुक्त कर सकते हैं। तो उन्होंने काफी सोच विचार कर, यहाँ पर थे गोपीनाथ कापड़दार जिसको कि उन्होंने अपना दीवान नियुक्त किया था, जो कि एक निचली जाति के थे, तो जो जितने भी राज परिवार थे इनके विद्रोही थे गोपीनाथ कापड़दार के। यहाँ पे गोपीनाथ कापड़दार की नियुक्ति तो कर दी गई, लेकिन यही जो है फाउंडेशन है हमारे, यही बेस है हमारे मुरिया विद्रोह का, यही से हमारा मुरिया विद्रोह का आरंभ मान सकते हैं हम। गोपीनाथ कापड़दार के एक दोस्त थे, मित्र थे अदित प्रसाद, जिनको कि गोपीनाथ कापड़दार ने मुंशी के रूप में नियुक्त किया था। असली में गोपीनाथ कापड़दार जो दीवान थे वो अधिकतर आदिवासियों का शोषण करते थे, और उस शोषण के खिलाफ यदि आदिवासी कोई मुकदमा दर्ज कराता था तो वो सीधा सीधा कोर्ट में जाता था यहाँ पे अदित प्रसाद के। तो अदित प्रसाद जो कि मित्र ही थे गोपीनाथ कापड़दार के, तो वो उन आदिवासियों को ही दंडित कर देते थे। और ये जो गोपीनाथ कापड़दार थे वो दोनों की मिली भगत थी, दोनों अपने जो धन आता था आपस में बांटा करते थे। फिर उसके बाद जब प्रिंस ऑफ वेल्स 29 फरवरी 1876 को प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे भारत आने वाले थे, उसी का यहाँ पे जो बस्तर के राजा थे भैरम देव उनको यहाँ पे बुलाया गया था उनके स्वागत करने के लिए। तो भैरम देव 29 फरवरी 1876 को उनके स्वागत के लिए जगदलपुर के राजमहल से निकले, और वो अभी 20 मील ही पहुंचे थे। लगभग 1 मार्च को ही, 1 मार्च 1876 को बूमपाल नामक एक स्थान था जहाँ पे उनका सामान लेके जा रहे कुलियों ने उनका सामान फेंक दिया था यहाँ पे राजा का, और आदिवासियों ने यहाँ पे राजा को घेर लिया था। राजा जो वो आदिवासी जो थे वो राजा को बाहर नहीं जाना देना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था यदि राजा यहाँ से चले गए तो जो दीवान गोपीनाथ कपड़दार है उनका शोषण करेगा, उनके ऊपर अत्याचार करेगा। और दूसरा मानना ये भी था ये कि भैरम देव यदि यहाँ से जाएंगे तो अंग्रेज जो उन्हें वापिस नहीं आने देंगे, तो इसलिए वो इनको जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो उनको वहां पे रोके थे। यहाँ पे राजा क्योंकि उनके सामने कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी कभी, तो राजा ने यहाँ पे गोली चालन का आदेश दे दिया था, जिसमें कई आदिवासी यहाँ पे मारे गए थे। और जो कुली जो उनका सामान फेंके थे कुल 18 कुली थे, 18 कुलियों को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जो आदिवासी थे वो इन आदि कुलियों को यहाँ पे स्वतंत्र करा के यहाँ से भाग गए थे। इसके बाद जो जैसे तैसे करके जो हमारे राजा भैरम देव थे वो जगदलपुर महल में वापिस आए, और 4 मार्च 1876 को राजा ने विशाखापट्टनम के जो हमारे वहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे उनको यहाँ पे पत्र लिखा था कि हमको यहाँ पे घेर लिया गया, लगभग 2 से 2500 जो है हमको आदिवासियों ने घेर लिया, ऐसा पत्र लिखा गया। उपकार की बुक में मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे जो थे दीवान गोपीनाथ कापड़दार ने पत्र लिखा था, जो गलत है। यहाँ पे पत्र जो लिखा था हांडी वाला जो केस उसमें दिया हुआ है
वो यहाँ पे हमारे राजा भैरमदेव ने लिखा था वो पत्र। उसके बाद जब यह सूचना विशाखापट्टनम के जो सैनिक अधिकारी थे उनको पहुंची, तो उन्होंने कोटपहाड़ से कैप्टन स्टाल और सिरोचा से मैक जॉर्ज के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी यहाँ पे भेजी। चूंकि जो आदिवासी थे एक प्रकार से पूरे तरीके से अपने हथियार लेके चलते थे, लेकिन वो पूरी तरीके से उन हथियारों का प्रयोग नहीं करते थे। यहाँ पे वो हिंसात्मक विद्रोह कर रहे थे। वो जो हथियार थे सिर्फ दिखावा के लिए था। जब मैक जॉर्ज अपनी सैनिक टुकड़ी लेकर यहाँ जगदलपुर पहुंचे, तो पूरे रास्ते भर में कहीं भी आदिवासियों ने उनका विद्रोह नहीं किया, उनको उनका मार्ग रोकने की यहाँ पे कोशिश नहीं की, जिससे मैक जॉर्ज थे वो काफी प्रभावित थे। उन्होंने आते ही बोला कि जो भी आदिवासी हैं उनका जो मुखिया है वो उधर से हम एक पक्ष अपना रखे, और जो भी राजा है यहाँ पे उनको भी बुलाया गया, गोपीनाथ कपड़दार जो दीवान थे उनको भी बुलाया गया, यहाँ पे अधित प्रसाद जो मुंशी थे उनको भी बुलाया गया। और 8 अप्रैल को मुरिया दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें सभी मतलब जो लोग मैंने बताया वो सभी वहां मौजूद थे। ये डेट भी उपकार के बुक में गलत दिया, 8 मार्च दिया मेरे ख्याल से, उसका आप देख लीजिएगा। वो 8 अप्रैल का मुरिया दरबार का आयोजन हुआ था। इसके बाद मुरिया दरबार का जो आयोजन हुआ उसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो दीवान हैं वो यहाँ पे गलत काम कर रहे हैं, वो शोषण कर रहे हैं, तो आदिवासियों को प्रसन्न करने के लिए यहाँ दीवान और उनके जो मित्र थे अधित प्रसाद उनको यहाँ से हटा दिया गया और नए दीवान की नियुक्ति की गई। और इस विद्रोह में यहाँ पे आम की टहनी का सूचक के रूप में प्रयोग किया गया था। जैसे और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किस टहनी का प्रयोग किया गया, तो आम की टहनी का प्रयोग किया गया था। तो आज के इस प्रकार मुरिया विद्रोह जो था वो एक प्रकार से सफल विद्रोह था। अंत में दीवान को वहां से हटाया गया, जिससे कुछ ना कुछ आदिवासियों के शोषण में यहाँ पे कमी आई थी। और उसके बाद से ही जो मुरिया दरबार आज भी लगाया जाता है, उस प्रथा जो थी मुरिया दरबार की वहीं से प्रारंभ हुई थी। तो आज के हमने चारों विद्रोह को कवर कर लिया है। तो अगले वीडियो में हम जो है भूमकाल का विद्रोह भी कवर करेंगे। तो और जो पिछले 4 विद्रोह मैंने कवर किए थे उसको भी जरूर देखिएगा वो वीडियो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर प्री में या आप कोई भी व्यापम या आप पीएससी का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको हर दूसरे पेपर में क्वेश्चन दिखेंगे ही, चाहे मैचिंग हो या कौन सा कथन सत्य असत्य उसमें जरूर आता है। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो जो है अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।